सताता है क्या क्या मुझे, दर्द घुटना जो एक बार बैठूं तो मुश्किल है उठना। अरे यार सुन लो भैया, बहुत अच्छा सुन रहे हो लेकिन मुझको भी सुनाने दो। बहुत बढ़िया सभा है साहब, आइए। आप लोग बिल्कुल सही वक्त पे आए, कुछ हम ही लोग जल्दी शुरू हो गए थे। अब जो लोग आते हैं तो उनका स्वागत ऐसे ही करना पड़ता है। आप लोग बैठ जाए तो फिर मैं शुरू हो पाऊँ। बहुत बढ़िया रचना जगदीश सोलंकी, आपकी तरह मेरा भी बहुत प्रिय गीतकार है, हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं, और यह रचना तो उसकी कालजयी रचना है। और अच्छा हुआ सुना दी उसने, भाई उसने रचना यहाँ पे सुना दी, ये अच्छा किया, वरना वो प्रतीक सीधा बदनाम बस्ती ही जाता। वो प्रतीक वहाँ बैठा हुआ है, अच्छा किया उसने सुना दी। मैं आपको सुनाने के लिए थोड़ा मेरे पास में है, मैं इंदौर बहुत आता रहा हूँ, जब बिल्कुल घनघोर जवानी थी तब आता रहा, अब जिंदगी से जाने की तैयारी है तब भी आया हूँ। तब मैं लंबी लंबी कविताएं लिखता था और खूब हंसी मजाक की। अब मैं 70 साल के आसपास हूँ, इसलिए थोड़ा गंभीर हो गया हूँ, तो मेरी कविताएं माइक्रो कविता हैं। आई 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 आई, बस मैं आप ही के लिए रुका था वरना सुना देता। लंबी लंबी कविताएं मैं बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा साहब, अब लंबी कविताएं सुनाने का दौर नहीं है, और लंबी कविता सुनाना भी नहीं चाहिए क्योंकि लंबी कविता सुनाने से एक्सीडेंट हो सकता है। मुझे याद है कवि ने बहुत लंबी कविता सुना दी, सामने बैठा है कि VIP चल बसा, उसकी कविता से वो आदमी लंबा ही हो गया, तो उस पर हत्या का मुकदमा चला। जज ने कहा कवि से कि तुम्हारी कविता से एक आदमी की हत्या हुई है, तुमको फांसी होने वाली है, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। कवि बोला कि साहब वही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तालियां बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे को, तालियां ज़्यादा बजा रहे हैं आप। हालांकि ताली बजाने से कवि का कलेजा सुनते हैं कि बड़ा होता है, लेकिन मैंने अपनी आदत नहीं डाली साहब तालियों की बिल्कुल। मंच पर आजकल संचालक से लेकर हर कवि ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, और वो सुरेंद्र यादव ने तो कविता ही सुना दी कि बजाओ तालियां तालियां। अरे ये लोग क्या ताली बजाने वाले हैं। नहीं मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपने लिए कभी तालियों के लिए कहता नहीं हूँ, मैं तो कॉन्फिडेंस वाला कभी माना जाता हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस ये है कि एक भी समझदार आदमी सामने बैठा हो तो पूरी रात में अकेले निकाल लेता हूँ। आप लोग तो संख्या काफ़ी 2000 लोग हैं। अभी बरेली उत्तर प्रदेश गया था मैं, वहाँ तो रात रात भर होते और बहुत पब्लिक आती, 60,000 आदमी पंडाल में था जिसमें मैं गया था, और 60 कवि मंच पर थे। अब मेरा नंबर तो आखिरी में ही आता है, उस दिन भी आया, रात के 8 बजे शुरू होने वाले प्रोग्राम में जब मेरा नंबर माइक पर आया तब सुबह के 4 बज रहे थे, और पंडाल में केवल 2 लोग बचे थे, एक सुनने वाला दूसरा सुनाने वाला। कोई और होता तो बेहोश हो जाता, लेकिन मैं तो कॉन्फिडेंस वाला हूँ, मैं न घबराया और मैंने एकमात्र श्रोता से अपना काम बनाया। मैंने कहा आप ज़रूर मेरे लिए बैठे हैं, वो बोला नहीं आपके पास मेरा नंबर है। तो ऐसा होता है, कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस मिल गया, ऐसा हो जाता है। आइए सुनाता हूँ कुछ मैं ऐसा जो बिल्कुल नया है आपके लिए, माइक्रो कविताएँ हैं। आप ये मत देखना कि मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये मत देखना कि मैं क्या कह रहा हूँ, आपको ये देखना कि मैं कैसे कह रहा हूँ, बस वही कविता है। उम्मीद है कि आपका प्रेम मुझे मिलेगा, बात समझ में आएगी तो ज़्यादा मिलेगा। साली ने जीजा से कहा, साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई मिठाई खिलाओ, साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई मिठाई खिलाओ, जीजा जी मुस्कुरा के बोले ज़रूर खिलाऊंगा थोड़ी और पास हो जाओ। मैंने आपसे कह दिया कि आप ये मत देखना कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये देखना कि मैं कैसे कह रहा हूँ। इस उम्र में आके आदमी अपनी अदा बदल लेता है, ऐसी बारीक कविता मेरे पास हो, मैं तो आपकी खिड़कियाँ खोलने के लिए आया हूँ, ये बारीक बातें मैं इस उम्र में आपके लिए लाया हूँ, उम्मीद है आप समझेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। छोटी छोटी कविताएं,
साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले ज़रूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। एक और देखिए माइक्रो का पता, छोटी सी इशारे की बात है। एक चुनाव हारे उम्मीदवार ने हमसे पूछा, बताइए चौबे जी वोटों और जूतों में क्या फ़र्क है। जैसा मन का हाल था वैसी सवाल था। एक चुनाव हारे उम्मीदवार ने हमसे पूछा, बताइए चौबे जी वोटों और जूतों में क्या फ़र्क है। हमने कहा प्यारे लाल वोट पड़ते हैं तो गिने जाते हैं। आधा मैं बोलूँगा आधा आप समझेंगे। हमने कहा प्यारे लाल वोट पड़ते हैं तो गिने जाते हैं। आगे बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, उसका चेहरा बता रहा था कि वो क्या और कितने गिन के आ रहा है। ऐसी मेरी छोटी छोटी कविताओं का मजा लीजिए। एक छोटी सी कविता में आपका इम्तहान भी है, आप समझेंगे तो आपको घर तक मज़ा आएगा। अदा है कहने की, देखिए क्या बात है, उम्मीद है कि आप समझेंगे, पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको धीरे धीरे आप पर आनंद दे सकता हूँ। एक किताब में एक सुंदर औरत की तारीफ पढ़ रहा था, क्या सुंदरता थी। आधे घंटे तक मैं ही हंसता रहा। आप भी बता लीजिए, किताब में लिखा हुआ था कि उस सुंदर औरत की दाई आंख इतनी सुंदर थी कि बाई आंख लगातार दाई को देखती रहती थी। धीरे धीरे मजा लीजिए, चुटकियां हैं, बारीक बारीक बातें हैं, लेकिन शायद आपको पसंद आएगी। उस सुंदर औरत की दाई आंख इतनी सुंदर थी कि बाई आंख लगातार दाई को देखती रहती थी। आप लोग इधर भी ध्यान दीजिए। एक और देखिए, ये भी पसंद आएगी आपको। किताब में पढ़ा कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो, तो समझ जाइए कि या तो कार नहीं है। ऐसी समझ आप मुझे ऐसी समझिए, फिर मैं आपको और भी सुनाऊंगा हंसी की, लेकिन थोड़ा सा पहले मैं अपने आप को खोल लूं और आपको भी खोल लूं। अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो तो समझ जाइए कि या तो कार नहीं है या पत्नी नहीं है। बात भी सही है, अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा कौन खोलता है। और असली बात तो यह है कि अपनी पत्नी के साथ कार में जाता ही कौन है। थोड़ी देर में आपका मन लगा रहा हूं, माहौल बदला हुआ है। जगदीश सोलंकी ने आपको गंभीर कर दिया, मैं आपको धीरे धीरे शब्द तक अपना चरित्र बदल लेते हैं। सुनिएगा आप लोग, नई बात है। नेता ने चरित्र बदला, आदमी ने भी बदला, लेकिन मारे शर्म के शब्द ने भी अपना चरित्र बदल लिया। जैसे संता और बंता, संता बंता बड़े कॉमन कैरेक्टर हैं, हर जगह मिलेंगे साथ में। तो सत्तन जी ने पूछा मुझसे कि यार प्रदीप, ये संता और बंता में आपस में कोई संबंध है क्या, ये दोनों हमेशा साथ में मिलते हैं। मैंने कहा साहब बहुत बड़ा संबंध है। बोले क्या संबंध है। मैंने कहा बेसन और पकौड़े का संबंध है। बोला क्या मतलब। मैं कहा देख भाई, अगर बेसन नहीं संता तो पकौड़ा कैसे बनता। सत्तन जी ने पूछा, शिष्य ने जवाब दिया हम लोग दिमाग खराब रहते हैं, बात अच्छी निकल के आती है, आपको लगता है तो बजा सकते हैं। खैर संता और बनता तो साधारण आदमी है। आप लोग सुन लें, बस आराम से सुन लें, मैं आपको सुना रहा हूँ, इसका मजा ले, निकल जाएगी बात तो फिर मजा नहीं है। संता और बनता तो साधारण आदमी है साहब, लेकिन मैं आपको एक ऐसे शब्द से मिलवाता हूँ जो कतई गंभीर है। उसने भी अपना चरित्र बदला, वो शब्द है भाई, ब्रदर, ब्रदर भाई। मैं ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, एक सीन मैंने देखा कि एक नौजवान लड़का और एक नौजवान लड़की, दोनों आपस में कॉलेज के मित्र होंगे, क्लासमेट होंगे, नौजवान पीढ़ी के दोनों लड़का लड़की स्टेशन पर खड़े होकर आपस में खूब किलोल कर रहे हैं, खूब हंस हंस के बातें कर रहे हैं। 50 फुट की दूरी से थे वो, उनकी बात मेरी सुनने में तो नहीं आ रही थी, मगर मुझको अच्छा लगा, मज़े ले रहे हैं, नई पीढ़ी मज़े में है। लेकिन मेरे बगल में दो बुढ़े खड़े हुए थे, वो उनकी अदाएँ देख के काफ़ी कुंठित हो रहे थे। एक बुढ़े ने दूसरे से पूछा, क्या वो लड़का उस लड़की का भाई है। असल में वो चाहता था कि वो भाई ही निकले,
क्योंकि बूढ़ों से नौजवानों का सुख नहीं देखा जाता। तो उसने क्या पूछा, क्या वो लड़का उस लड़की का भाई है? तो दूसरा बुढ़ा बोला कि नहीं, वो लड़की उस लड़के को भाई है। ऐसी ऐसी बातें दिखती हैं समाज में, दिखती है तो कभी लिखता है। आजकल मुझे ऐसे दिखता है तो मेरा मन ऐसे दिखता है। अभी मैं ज़रा थोड़े दिनों से पैरों से लाचार हूँ, ऑपरेशन हुआ पैरों का, ज़िंदगी में पहली बार मैं बीमार पड़ा और अस्पताल जाना पड़ा। ऑपरेशन वाले डॉक्टर मेरा दोस्त था, बोले घबराओ मत चौबे जी, बहुत माइनर ऑपरेशन है। मैंने कहा यार ऑपरेशन तो ऑपरेशन है, माइनर हो, मुझे डर तो लगता। अरे बोले डर लग रहा है क्या? मैंने कहा डर क्यों नहीं लगेगा, ज़िंदगी में मेरा पहला ऑपरेशन है। डॉक्टर बोला कि मेरा भी पहला ही ऑपरेशन है, लेकिन देखो उसको तो डर नहीं लग रहा। मैंने कहा तुझे क्यों लगेगा, तू कर रहा है, मेरा हो रहा है। तो मैं पड़ा था, डॉक्टर मेरे सिरहाने खड़ा था, एक सीन मैंने वहाँ देखा, ताज्जुब हुआ। हम दोनों के अलावा वहाँ पर एक नर्स भी खड़ी थी, हाथों में फूलों की माला लिए। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब ये माला लिए क्यों खड़ी है? तो डॉक्टर ने कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का पहला ऑपरेशन है, अगर ये सफल हो गया तो ये मेरे गले में पड़ेगा वरना आपके ऊपर डलेगा। बहुत मुसीबत आ जाती है साहब, डर तो लगता है लेकिन सारी बातें होती हैं। आइए थोड़ा और सुनाऊंगा, रात भी काफ़ी हो गई है और मैं बहुत देर तक इन दिनों तो नहीं रह पाता, लेकिन एक आध चार छः महीने में ठीक हो जाऊंगा। आइए थोड़ा और सुनाता हूँ आपकी हंसी के लिए। डॉक्टरों के लिए कहा, डॉक्टर के बारे में समाज में डॉक्टरों की इमेज खराब होती जाती है, क्यों लोग ऐसा मानते हैं कि डॉक्टर बहुत पैसा खाते हैं और ये है और वो है, बहुत लूटते हैं। तभी वर्ल्ड डे पर, वर्ल्ड डॉक्टर डे पर ग्वालियर में वर्ल्ड डॉक्टर डे मनाया गया, तो डॉक्टर ने मुझको बुलाया, बोले चौबे जी जनता में हमारी इमेज बड़ी ख़राब हो रही है, आप ज़रा आइए जनता को समझाइए कि हम उनके लिए कितना काम करते हैं, कोई भाषण दीजिए। तो मैंने डॉक्टरों के फेवर में एक बहुत अच्छा भाषण जनता को दिया, जनता ने ताली बजाई। मैंने कहा भाइयों और बहनों, डॉक्टर धरती पर भगवान का अवतार है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े तो ये सोच के जाना कि भगवान के पास जा रहे हैं। मैंने बात तो अच्छी की, लोगों ने वहाँ ताली बजाई, लेकिन डॉक्टर ने मुझको बजाया, बोले साले हमारे बारे में ऐसा कह रहा था। मैं कहा डॉक्टर साहब मैं तो ठीक ही कह रहा था, लेकिन आपको पता नहीं कि जनता आपके पीछे क्या कहती है। जनता डॉक्टर के पीछे कहती है कि जब भगवान आदमी से नाराज़ होता है तो डॉक्टर के पास भेज देता है, और जब डॉक्टर आदमी से नाराज़ होता है तो भगवान के पास भेज देता है। आप ताली मत बजाइए, आपको मज़ा ना आ रहा हो तो आप मुझे बजाइए, आपको मज़ा उतना ही आएगा। लेकिन काफ़ी रात हुई है, आइए मैं आपको थोड़ा सा और सुनाता हूँ। मेरे बारे में बताया गया, सत्यन जी ने बताया कि शैल चतुर्वेदी मेरे सगे बड़े भाई थे, इसमें एक संशोधन की ज़रूरत है। वो मेरे दूर के सगे बड़े भाई थे, दूर के इसलिए कि बीच में चार पांच भाई बहन और भी हैं। शैल जी हमारे बड़े भाई थे साहब, फिल्में बनाते थे। एक बार मुझे बम्बई बुलाया प्रोग्राम में, मैं प्रोग्राम में गया, बोले शूटिंग भी दिखाते हैं, शूटिंग देखने चलो। गए साहब उनके पीछे पीछे, शूटिंग तो खैर बहुत ही बोर थी, लेकिन वहाँ पर मैं स्टूडियो में घूमने लगा। स्टूडियो में घूमते घूमते जो मेरे को वहाँ पर सीन दिखाई दिया वो आपके मतलब की चीज़ है। सिनेमा के पोस्टर लगे हुए थे एक के बाद में दूसरा तीसरा चौथा, जिस सीक्वेंस में वो लगे हुए थे बस वही कविता है। आइए आपको एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। सिनेमा के पोस्टर लगे हुए हैं और मेरी बात हो रही है। पहले चार पोस्टर थे, हिंदुस्तान की कसम हम हिंदुस्तानी, हम नहीं सुधरेंगे, हम सब चोर हैं। फिल्मों के पोस्टर हैं, मजा नहीं, लगे तो पोस्टर हैं लेकिन कहानी हिंदुस्तान की निकलती आ रही है। हिंदुस्तान की कसम हम हिंदुस्तानी, हम नहीं सुधरेंगे, हम सब चोर हैं। ब्रह्मचारी शादी के बाद 9-2-11, ब्रह्मचारी शादी के बाद 9-2-11, दुल्हन एक रात की अब क्या होगा। आह दुल्हन वही जो पिया मन भाए 20 साल बाद गुमराह, आह दुल्हन वही जो पिया मन भाए 20 साल बाद गुमराह, झील के उस पार आन मिलो सजना, 2 गज जमीन के नीचे मैं इंतकाम लूंगा, 2 गज जमीन के नीचे मैं इंतकाम लूंगा। और देखिए कुछ पोस्टर थे, चोर पुलिस एक दूजे के लिए, चोर पुलिस एक दूजे के लिए, पवन पुत्र हनुमान घर बसा के देखो,
पवन पुत्र हनुमान घर बसा के देखो, और अंतिम तीन पोस्टर पढ़ के मैं खुद भाग खड़ा हुआ। लिखा हुआ था गांधी एक बार चले आओ हसीना मान जाएगी। हिंदुस्तान है कुछ भी दिखता है, आइए मैं हिंदुस्तान के कुछ स्कूलों में आपको लेकर चलता हूँ। बच्चे 21वीं सदी में आ गए, मास्टर आज भी 16वीं शताब्दी में है। मास्टरों में और बच्चों में एक संघर्ष होता रहता है, मास्टर 16वीं शताब्दी का, बच्चा 21वीं शताब्दी का, एक जनरेशन गैप तो रहता है। मास्टर क्या पूछ रहा था, बच्चा क्या जवाब दे रहा था अपने IQ से। किसी ज़माने में बच्चे भोले भाले होते थे, आजकल केवल भाले होते हैं। कंप्यूटर आ गया है, उनकी पढ़ाई वैसी हो गई है। मास्टर आज भी वही बीड़ी खींचू, कुछ सवाल जवाब देखिए जो मैंने पकड़े वहाँ पे, मज़ा लीजिए। एक मास्टर ने क्लास में बच्चे से पूछा कि लालू ने चारा खाया, इसका फ्यूचर टेंस बनाओ। मास्टर ने पूछा बच्चे से कि लालू ने चारा खाया, इसका फ्यूचर टेंस बनाओ। बच्चा फौरन बोला अब लालू दूध देगा, अब लालू दूध देगा। बच्चे ने सही जवाब। तो इस तरह के मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ देखी। एक और बच्चे की बात, एक बच्चा घर के बाहर बैठा रो रहा था, मैंने पूछा क्यों रो रहा है। बोला बोला अंकल घर के अंदर माँ बाप में झगड़ा हो रहा है। मैंने कौन है तेरा बाप, बोले इसी बात पे हो रहा है। बच्चों के सब सोच समझ के बोलो, बच्चा बोल देगा तो आपकी पोल खोल दे। एक और मास्टर ने पूछा बड़ा अजीब सवाल, वो आपसे भी पूछा जाता होगा बचपन में, खाली स्थान भरो, खाली स्थान भरो आज भी पढ़ाया जाता। तो मास्टर ने बच्चे से पूछा कि बिल्लू खाली स्थान भरो, 100-100 चूहे खा के बिल्ली डॉट 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 चली। आप सभी जानते हैं कि हज को चली, मैं बच्चा नहीं जानता था। बिल्लू 100-100 चूहे खा के बिल्ली डॉट 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 चली। बिल्लू बोला 100-100 चूहे खा के बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। मास्टर ने चांटा दिया, भाई टेढ़ी में चली कि हज को चली। बोले क्या बोलते हैं मास्टर साहब, 100 चूहे खा के बिल्ली अपनी जगह से हिल तक नहीं सकती, हज को तो क्या जाएगी। और वो तो आपकी बात रखने के लिए मैंने थोड़ा बहुत चलवा भी दिया, वरना मास्टर साहब हज को आपको ही जाना पड़ता, आपको ही जाना पड़ता, आपको ही जाना। आइए, काफ़ी वक्त हुआ और मैं भी आराम करना चाहता हूँ, आपसे विदा लेना चाहता हूँ। एक कविता सुना देता हूँ जो सचमुच ही कविता है, बड़ी पुरानी कविता है, मन से सुन लीजिए। मैं बहुत देर तक खड़ा नहीं रह पाता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। एक पुरानी कविता है, बड़ी अच्छी कविता, देश में मानी गई बहुत पुरानी कविता है, इंदौर में बहुत पढ़ी है, पर इस बार हो सकता है नए लोग हों। मेरी शव यात्रा की कविता है, सुना लो। मेरी अपनी शव यात्रा, मरने के बाद मैंने क्या देखा। लोग जाते हैं मुर्दे को फूंकने जाते हैं, एक रस्म अदाई होती है, लेकिन जब मैं मरा तब लोगों ने मेरे बारे में क्या बातें की। ले जाते हुए राम नाम सत्य का नारा लगा, मेरी अर्थी उठी और लोग मुझे ले जाने लगे। तो क्या बात हुई है लोगों में, लोग समझे कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं अपने अंदर की ताकत से, अपनी रूह के माध्यम से उन लोगों के डायलॉग सुन रहा था। ये कविता आपने सुनने लायक है। हम अपनी शव यात्रा का आनंद ले रहे थे, लोग हमें ऊपर से कंधा और अंदर से गालियां दे रहे थे। हम अपनी शव यात्रा का आनंद ले रहे थे, लोग हमें ऊपर से कंधा और अंदर से गालियां दे रहे थे। एक धीरे से बोला साला क्या भारी है, दूसरा बोला भाई साहब ट्रक की सवारी है, और ट्रक ने भी मना कर दिया तो हमारे कंधों पर जा रही है। अब ट्रक ने भी मना कर दिया तो हमारे कंधों पे जा रही है। एक और बोला कि हाँ यार काम तो हमारा भी लटक गया, आज बिजली का बिल जमा करने की लास्ट डेट थी तो यहाँ पर अटक गया। अब मैं बहुत दिनों बाद पढ़ रहा हूँ इसलिए भूल रहा हूँ। हाँ यार पेमेंट तो हमारा भी लटक गया, अब कल जब बिजली, माफ़ कीजिए छोड़ता हूँ क्योंकि बहुत सालों बाद पढ़ रहा हूँ इसलिए मुझे माफ़ कीजिए, याद आएगा तो पढ़ूँगा, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ।